हेलो फ्रेंड, आइए अब एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है समुदाय। समुदाय किसे कहते हैं? तो समुदाय दो शब्दों से मिलकर बना है। समुदाय का अर्थ होता है कम्युनिटी। कम्युनिटी कम्युनिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, कम और मिनस। कम और मिनस दो शब्दों से मिलकर बना है समुदाय यानी कम्युनिटी। दो शब्दों से ये समुदाय जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। किसका है तो ये जानते रहिएगा, लैटिन भाषा का ये शब्द है समुदाय। ठीक है, ये लैटिन भाषा का शब्द है कम और मिनस। कम का अर्थ होता है एक साथ, और मिनस का मतलब होता है सेवा करना। अर्थात एक साथ सेवा करना। ठीक है, समुदाय। अब जब कभी आपसे पूछे कि समुदाय किस भाषा शब्द का है, किस भाषा शब्द से लिया गया है, तो आप बता सकते हो कि समुदाय जो है लैटिन भाषा शब्द से लिया गया है। ये समुदाय को अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं, कम्युनिटी। और इसको अगर हमने तोड़ दिया, कम्युनिटी को तोड़ दिया, कम और मिनस में तोड़ दिया हमने, तो कम का अर्थ हो जाता है सेवा एक साथ, और मिनस का अर्थ होता है सेवा करना। अर्थात दोनों का एक साथ सेवा करना, इसका समुदाय का अर्थ होता है। ठीक है, तो जब कभी आपको समुदाय की परिभाषा पूछे, समुदाय किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हो। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समुदाय की अपनी अलग अलग तरीके से व्याख्या की है, जिसमें मैकाइवर तथा पेज ने लिखा कि जिस किसी स्थान पर एक छोटे अथवा बड़े समूह के सदस्य, मैकाइवर तथा पेज दोनों अलग अलग हैं, ये जानते रहिएगा। इसने लिखा, मैकाइवर पेज ने लिखा, जिस किसी स्थान पर एक समुदाय के लोग एक साथ निवास करते हैं, उनको समुदाय कहा जाता है। ठीक है, तो जब कभी पूछे कि मैकाइवर पेज ने क्या कहा, तो आप बता सकते हैं। सामान्यतः इनके कुछ विशेष उद्देश्य भी होते हैं। ये सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं तथा उस समूह को ही हम समुदाय कहते हैं, ये जानते रहिएगा मैकाइवर। और डेविस के अनुसार समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आते हैं। डेविस के अनुसार किसने कहा, तो ये बात डेविस ने कही। ठीक है, डेविस ने ये बात कही। और डेविस के बाद बोगार्ड्स ने कहा कि समुदाय एक सामाजिक समूह होता है। बोगार्ड्स ने कहा कि समुदाय एक सामाजिक समूह होता है। तो अगर ये कहे कि बोगार्ड्स ने समुदाय के लिए क्या कहा है, तो बोगार्ड्स ने कहा कि समुदाय एक सामाजिक समूह होता है। जबकि मैंजर ने कहा कि समाज जो एक निश्चित भूभाग पर रहता है उसे हम समुदाय कहते हैं। समाज एक निश्चित भूभाग पर रहता है, उसके समूह को ही हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। ये किसका कथन है, तो ये बेंजन का कथन है। बेंजर, ठीक है, ये बेंजर का कथन है। तो इस तरीके से समुदाय के बारे में विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने विचार व्यक्त किए, समुदाय कैसा होता है। अब आइए थोड़ा सा समुदाय और समाज में अंतर होता है, समुदाय और समाज में क्या अंतर होता है उसको भी देख लेते हैं। तो जब कभी आपसे पूछा जाए समुदाय क्या होता है, कि एक साथ रहने वाले लोगों का समूह जो होता है
उसी को हम क्या कहते हैं, समुदाय। समाज में अलग अलग समूह हो सकते हैं लेकिन समुदाय में एक बड़ा वर्ग होता है जो एक साथ निवास करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। ठीक है, तो ये तो इसकी परिभाषा हुई और इसके कुछ आधारभूत तथ्य भी हैं समुदाय के और इसकी कुछ लक्षण या विशेषताएं हैं। तो पहले इसकी विशेषताओं पर चर्चा कर लिया जाए, समाज समुदाय की क्या विशेषता होती है, तो उसके बाद फिर आगे चलते हैं। आइए, समुदाय की कुछ विशेषता है, समुदाय की विशेषता इस पर चर्चा करते हैं। समुदाय की विशेषता क्या है, तो समुदाय की निम्नलिखित विशेषता है। पहला, समुदाय की विशेषता है आत्मनिर्भरता। पहली इसकी विशेषता है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता में देखते हैं कि समुदाय कैसा होता था, जो आत्मनिर्भर समुदाय होता था, स्वयं पर डिपेंडेड होता था, किसी दूसरे पर डिपेंडेड नहीं होते थे, ये लोग स्वयं पर आत्मनिर्भर हो रहे थे। और उसका एक कारण ये था कि इनकी कुछ निश्चित जो है आवश्यकताएं थी। वैसे इस समय के समाज को देखें तो इसकी आवश्यकताएं जो थी वो अनंत हैं, लेकिन उस समय की समुदाय की आवश्यकताएं सीमित हुआ करती थी। कैसी होती थी, तो सीमित हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय की समुदाय की आवश्यकताएं जो हैं असीमित हैं। कैसी हैं, वो असीमित हैं। और उस समय की आवश्यकताएं कैसे हुआ करती थी, सीमित हुआ करती थी। इसीलिए समुदाय कैसा होता था, आत्मनिर्भर समुदाय होता था, जो स्वयं पर आश्रित होता था, स्वयं के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करता था, किसी अन्य के ऊपर आश्रित समुदाय नहीं होता था। और दूसरा है सामान्य जीवन, किसी भी सामान्य जीवन। दूसरा इसका पॉइंट है सामान्य जीवन, सामान्य जीवन। सामान्य जीवन की बात करें तो इनका कुछ समुदाय का जो होता था वो कुछ विशेष उद्देश्य नहीं होता था, सामान्य उद्देश्य हुआ करता था, कुछ विशेष उद्देश्य नहीं हुआ करता था, उद्देश्य नहीं होता था, बल्कि इनका सामान्य उद्देश्य होता था, सामान्य उद्देश्य हुआ करता था। ठीक है, सामान्य उद्देश्य हुआ करता था, विशेष इनका उद्देश्य नहीं हुआ करता था। और इसी के कारण समुदाय के सदस्य एक सामान्य जीवन व्यतीत करते थे। संस्कृति के प्रभाव के कारण प्रत्येक समुदाय की कुछ विशेषताएं होती थी। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर इनके जीवन के बारे में हम व्याख्या करते हैं। अब आगे आइए, देखते हैं तीसरा पॉइंट, विशिष्ट नाम। तीसरा पॉइंट है विशिष्ट नाम, विशिष्ट नाम। विशिष्ट नाम से तात्पर्य होता है कि एक समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता था और इसी नाम के कारण इस समुदाय की भावना जो होती थी वो इनसे जुड़ी हुआ करती थी। समुदाय प्राय किसी ऐतिहासिक सत्य की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो इनका कुछ अपना एक विशिष्ट नाम हुआ करता था और उसी नाम के कारण ये समुदाय आपस में क्या होते थे, एक दूसरे से जुड़े हुए होते थे। तो ये दूसरा इनका तीसरा प्रमुख जो इनका एक वो रहा है, वो विशिष्ट नाम रहा है। अब अगला देखें पॉइंट, अगला पॉइंट है क्षेत्रीय स्थायित्व। चौथा पॉइंट है क्षेत्रीय स्थायित्व, क्षेत्रीय स्थायित्व। अगला पॉइंट है क्षेत्रीय स्थायित्व। क्षेत्रीय स्थायित्व में देखते हैं कि समुदाय एक स्थान पर काफ़ी समय तक रहता था, अतः उस समुदाय के विषय में सरलता से एक तथ्य एकत्रित किए जाते थे। क्षेत्रीय स्थायित्व में देखते हैं कि जो समुदाय हुआ करता था एक लंबे समय तक एक ही क्षेत्र में निवास करता था और उसी क्षेत्र में निवास करने के कारण उनमें स्थायित्व दिखाई देने लगता है। ये इसकी प्रमुख एक विशेषता रही है समुदाय की। और अगला देखते हैं इसमें स्वतः विकास, स्वतः विकास।
स्वतः विकास, स्वतः विकास में देखते थे किसी समुदाय के विकास करने की आवश्यकता नहीं होती थी, बल्कि इसका विकास जो है स्वतः हुआ करता था, धीरे धीरे उत्तरोत्तर इसका विकास हुआ करता था और इसके विकास की कोई क्रम या सिस्टम नहीं दिखाई देता। ये इसका स्वतः खुद से जो है किसी समुदाय का स्वयं से इसका विकास हुआ करता था, इसकी कोई स्थापना नहीं की जाती थी बल्कि ये स्वयं से विकास करता था। एक समुदाय का प्राकृतिक रूप से विकास होता था, जब किसी स्थान पर कुछ व्यक्ति आ बसते हैं और वे सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं तो उसमें सामुदायिक भावना का विकास स्वतः होता है, उसके विकास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस तरीके से समुदाय की कुछ जो अपनी विशेषता है, अगर कभी पूछे समुदाय की क्या विशेषता है तो आप बता सकते हैं। ये इसके कुछ ऐसे पॉइंट हैं जैसे आत्मनिर्भरता, सामान्य जीवन, विशिष्ट नाम, क्षेत्रीय स्थायित्व और स्वतः विकास। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको आप नोट कर लीजिए और कभी भी अगर विशेषता समुदाय की पूछी जाए तो आप समुदाय की क्या विशेषता है उसे आप बता सकते हैं। विशेषता के बाद आइए देखते हैं समुदाय के कुछ आधारभूत तथ्य भी होते हैं। आधारभूत तथ्य समुदाय के कुछ ऐसे आधारभूत तथ्य होते हैं जिनमें पहला है स्थानीयता। इनमें पहला समुदाय का आधारभूत तथ्य है स्थानीयता। में देखते हैं कि समुदाय का सदैव एक स्थान से संबंध होता है और भारत में प्राचीन काल में स्थान के कारण अनेक समुदाय बने और उनमें स्थानीयता की भावना का विकास हुआ। और इस तरीके से देखते हैं कि जो समुदाय होता है वो एक ही स्थान पे निवास करने के कारण उनमें जो है आपस में जो है वहाँ परस्पर सहयोग की भावना भी दिखाई देती है। और दूसरा आधारभूत तथ्य में देखते हैं, दूसरा है एक भावना। एक भावना में जब समुदाय के लोग एक जगह निवास करते हैं और एक ही जगह निवास करने के कारण आपस में परस्पर सहयोग की भावना दिखाई देती है और एक दूसरे के प्रति समर्पण की भी भावना नज़र आती है और इसी से समुदाय में आपस में एक भावना का विकास होता है एक दूसरे के प्रति और एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना देखने को मिलती है और व्यक्ति एक दूसरे के सुख दुख में भी साथ देते हैं और समान ढंग से तीज त्यौहार मनाते हैं और यह भी अनुभव करते हैं कि भले ही उसका संबंध भिन्न भिन्न परिवारों से हो परंतु फिर भी वे एक साथ और एक आत्मीयता के साथ आपस में परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से समुदाय के कुछ आधारभूत तथ्य भी हमको दिखाई देते हैं। तो ये आप जब समाज के कुछ आधारभूत तत्व अगर पूछे तो तथ्य के बारे में आप ये स्थानीयता और एक भावना के बारे में बता सकते हैं। अब आइए समुदाय और समाज में क्या अंतर है इसके बारे में चर्चा करते हैं। समुदाय और समाज में क्या अंतर है उसी अंतर की बात करते हैं। तो कुछ ऐसे मुख्य अंतर हैं, कुछ पॉइंट हैं, कौन कौन से ऐसे मुख्य अंतर और कुछ पॉइंट हैं तो उनकी बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है समुदाय मनुष्यों का एक समूह है। ठीक है, जो समुदाय होता है व्यक्ति विशेष एक ही समूह में निवास करते हैं और एक जगह एक साथ रहते हैं और इसीलिए जो है इनका एक समूह हो जाता है। जबकि इसके विपरीत समाज कैसा है, समाज सामाजिक संबंधों का
समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ठीक है। समाज क्या है? तो समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। व्यक्ति का आपस में एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है, और इसी संबंध के कारण व्यक्ति आपस में एक दूसरे से जुड़ा होता है। जबकि समुदाय जो होता था, समुदाय में जो है एक बड़े वृहद स्तर पर जो है लोगों का समूह होता है और सभी आपस में जो है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और जबकि इसके विपरीत समाज जो होता है वो सामाजिक संबंधों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे उनके संबंध आपस में एक दूसरे के साथ होते हैं, उसी संबंध से जो है समाज का निर्माण होता है। अब दूसरा देखें क्या अंतर है समाज और समुदाय में। तो दूसरा अंतर है समुदाय मूर्त होता है। कैसा होता है समुदाय? तो दूसरा अंतर है कि समुदाय मूर्त होता है, समुदाय मूर्त होता है। और समाज कैसा होता है? तो समाज जो होता है वो अमूर्त होता है, अमूर्त, ठीक है। समाज अमूर्त होता है जबकि समुदाय मूर्त होता है। अर्थात जो समुदाय होता है वो हमको दिखाई देता है। मूर्त का मतलब होता है जो दिखाई दे, और अमूर्त का मतलब होता है जो दिखाई नहीं देता है। तो समुदाय कैसा होता है? तो समुदाय मूर्त होता है। अर्थात समुदाय एक जब वर्ग होता है, एक कुछ लोगों के समूह को ही हम समुदाय कहते हैं। तो जो लोगों का समूह होता है वो कैसा होता है? वो दिखाई देता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम शरीर की संरचना को लेते हैं, शरीर का जो बाह्य पक्ष होता है, जैसे हमारे आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, ये सब क्या है? ये हमारे मूर्त है, अर्थात जो हमको दिखाई देता है। आँखें हमारी दिख रही हैं, कान हमारे दिखाई दे रहे हैं, नाक हमारी दिख रही है, मुंह हमारे दिखाई दे रहे हैं, हाथों का जैसे जैसे जिस तरीके से हम इधर उधर करते हैं, तो ये भी कैसा है? ये दिखाई देता है। ठीक वैसे ही समुदाय भी होता है। ये समुदाय जो है शरीर की बाह्य संरचना से इसकी तुलना हम करते हैं और ये दिखता है। लेकिन इसके विपरीत समाज कैसा होता है? समाज अमूर्त होता है। समाज हमको दिखाई नहीं देता, बल्कि समाज को हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं। जैसे हमारे शरीर की आंतरिक संरचना, शरीर की आंतरिक संरचना को हम देखते नहीं हैं। शरीर के अंदर की जैसे हमारी सांसें हैं, हम सांसों को देख तो नहीं पाते बट महसूस करते हैं। तो वैसे ही समाज कैसा है? समाज अमूर्त है, जो हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी हम समाज को मानते हैं और महसूस करते हैं, ठीक है। क्योंकि समाज में बहुत सारी ऐसी रीतियां, परंपराएं, प्रथाएं जो विद्यमान होती हैं, जनरीतियां जिसको हम देख तो नहीं पाते बट महसूस जरूर करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से समाज और समुदाय में ये अंतर है। अगला क्या अंतर है? तो अगला जो है, समुदाय में एक समाज होता है, समुदाय में एक समाज होता है, समुदाय में एक समाज होता है, एक समाज होते हैं। और जबकि समाज में अनेक समुदाय हो सकते हैं। समाज में क्या होता है कि अनेक समुदाय हो सकते हैं, अनेक समुदाय हो सकते हैं, समुदाय हो सकते हैं, ठीक है। तो समुदाय में एक समाज होता है। देखिए जैसे अगर कहें तो समुदाय मतलब एक बहुत बड़े बृहद पैमाने पर लिया जाता है समुदाय। और समाज में जैसे ये कहें कि हम उसको कई पार्ट में डिवाइड कर दें समाज को, जैसे ये कहें कि फला समाज और ये फला समाज, एक नाम दे सकते हैं। जैसे कह दें कि ये हिंदू समाज, ये मुस्लिम समाज और इसको ईसाई समाज, ऐसे करके हम उसको समाज को बांट सकते हैं समुदाय। तो ये इस तरीके से ये पॉइंट है समाज और समुदाय में। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कि समुदाय में सामुदायिक भावना होनी आवश्यक होती है। समुदाय में सामाजिक भावना होनी आवश्यक होती है। समुदाय में सामूहिक भावना आवश्यक होती है, जबकि समाज में ऐसा कुछ नहीं होता।
जबकि समाज में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसमें समुदाय में लोगों के बीच में आपस में जो है परस्पर सामाजिक भावना का होना आवश्यक होता है, लेकिन समाज में ऐसा कुछ देखने को हमको नहीं मिलता। अगला है, समुदाय में धर्म प्रधान है, समुदाय में धर्म प्रधान होता है, इसमें धर्म प्रधान होता है, धार्मिकता अधिक होती है, धर्म को ज़्यादा प्रश्रय दिया जाता है समुदाय में। लेकिन इसके विपरीत समाज में, फैशन को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। फैशन को प्राथमिकता समुदाय समाज में दी जाती है और तरीके आदि को प्रधानता दी जाती है। अगला है, समुदाय में समान इच्छा होती है, समुदाय में समान इच्छा होती है, सामान्य इच्छा, समुदाय में सामान्य इच्छा होती है, जबकि इसके विपरीत समाज में जो है समाज में व्यक्तिगत इच्छा होती है। कैसी इच्छा होती है? तो समाज में व्यक्तिगत इच्छा होती है, व्यक्तिगत इच्छा, ठीक है, समाज में व्यक्तिगत इच्छा होती है। ये जानते रहिएगा, अंतर करना बहुत ज़रूरी है, अंतर नहीं कर पाएंगे तो यहाँ गलत हो जाएगा, इस तरीके से ये अंतर आपको आना चाहिए। अगला पॉइंट देखें तो अगला पॉइंट है, समुदाय में विश्वास पाए जाते हैं, समुदाय में विश्वास पाए जाते हैं, समुदाय में विश्वास पाए जाते हैं, जनमत पाया जाता है, ठीक है। तो ये अंतर जानते रहिएगा, जब भी पूछे समुदाय में क्या विश्वास और समाज में क्या है, जनमत पाया जाता है। अगला है, समुदाय में रूढ़ियाँ और प्रथाएँ होती हैं, जबकि समाज में समझौता संबंधी एकांताएँ होती हैं, रूढ़ियाँ और परंपराएँ ये समुदाय में होती हैं, जबकि समाज में समझौता संबंधी एकांतता होती है, समझौता संबंधी एकांतता होती है, एकांतता होती है। और अगला पॉइंट है कि समुदाय में सामान्य अभिवृत्ति होती है, जबकि समाज में व्यक्तित्व के विकास पर बल दिया जाता है। सामान्य अभिवृत्ति होती है, ये समुदाय में होती है, जबकि समाज में क्या होता है, व्यक्तित्व के विकास पर जोर दिया जाता है, व्यक्तित्व के विकास पर जोर दिया जाता है, जोर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से समुदाय और समाज में कुछ अंतर हैं, इन अंतरों को जानते रहिएगा, क्योंकि हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनता है और हमेशा पूछा जाता है समाज और समुदाय में क्या अंतर होता है। तो आज का हमारा ये वीडियो जो है समुदाय के ऊपर डिपेंड रहा पूरा। तो इस तरीके से आज का ये चैप्टर फिनिश होता है। धन्यवाद।